हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं बाजार के बारे में। और बाजार में आज काफ़ी दिनों के बाद एक वोलेटिलिटी देखने के लिए मिली, हालांकि थी सीमित दायरे के अंदर ही। और सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कल हमने चर्चा की थी। तो देखिएगा, कल की जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थी 36592 पे, यानी कि 36,600 के करीब। और मैंने आपके साथ चर्चा जो की थी वो यही की थी कि बाजार एक बार कल 36,200, 36,300 के आसपास जाएगा, लेकिन वहाँ पे टिकेगा नहीं, वहाँ से बाउंस कर जाएगा। तो बाजार 36,200 छोड़िए, उसके भी 50 पॉइंट और नीचे गया, 36,151। और जैसे मैंने आपको बोला था कि देखिएगा, पहले बाजार नीचे गया, फिर वहाँ पे टिका नहीं और उसने बाउंस दिया, और शाम होते होते जो है कंसोलिडेट करते हुए 36,500 के आसपास ही बंद हो गया। और ट्रेडिंग के एंगल से काफ़ी बेहतरीन दिन जो है हमारे लिए भी रहा। रीज़न ये था कि जहाँ पर हमने सोचा था वहाँ बाजार गया, तो हमने सिमिलरली वही पोजीशंस बनाई जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, यानी कि सुबह पहले मंदी की पोजीशन बनाई, फिर जब बाजार नीचे चला गया तो मंदी को हमने तेज़ी में कन्वर्ट किया, और फिर शाम होते होते जब वो तेज़ी बनी उसको काट के बाहर हो गए। तो इस तरीके के बेहतरीन वोलेटिलिटी वाले दिन वास्तव में ट्रेडर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ पोर्टफोलियो जो शेयर्स थे उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग की। तो कुल मिला के आज का दिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए बढ़िया रहा होगा। और कुछ लोगों को, हालांकि जिस शेयर्स के अंदर मैंने सेलिंग की है, कुछ लोगों को आपत्ति भी है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, देखिएगा कि अगर 6 महीने पहले आपने 110 रुपये लगाए हों और आज वो 190 रुपये हो गए हों, तो 6 महीने में अगर 80 रुपये आप कमा रहे हैं, करीबन 75% रिटर्न्स, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है, और वो भी तब जब बाज़ार अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो। क्योंकि अगर बाज़ार यहाँ से छींक लगाएगा 300 पॉइंट की भी, तो देखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बीइंग ए सेफ साइड, मैं वैल्यूशंस को नहीं कह रहा, क्योंकि बाजार जब गिरता है तो वो स्ट्रॉन्ग शेयर भी गिरते हैं, तो जहाँ पर फाइनेंशियली साउंड है कंपनीज, वहाँ पर भी कभी कभी प्रॉफिट बुक करना समझदारी होती है। मैं इसको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। अगर मान लीजिएगा आपने 6 महीने पहले 1,10,00,000 रुपये लगाए होते, और आज 6 महीने बाद उसकी वैल्यू 1,90,00,000 रुपये होती, तो क्या आपको 80,00,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? बस सीधा सा सवाल यही है। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लगा कि शायद सर का इस शेयर्स के बारे में आउटलुक बदल गया। हालांकि देखिएगा, दो शेयर्स हैं, दोनों शेयर्स के अंदर एक में हमने कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया और दूसरे शेयर में हमने 90% का प्रॉफिट बुक किया। तो कुल मिलाकर अभी भी 10% है यार फ्री के शेयर्स हैं, और आज भी बहुत फ्री का माल हमने बेचा। कुल मिलाकर बाजार हाईएस्ट लेवल पर है, बाजार में वो शेयर्स सस्ते भाव पर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बाजार बहुत बड़ा है, बहुत मौके हैं बाजार के अंदर। लेकिन एक बार आपके खाते में पैसे आ जाए ना, आपके अकाउंट में पैसे दिख जाए कि आए प्रॉफिट बुक कर दिया है, तो उसके बाद आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी करने का मन जो है करता है हमारा, और स्पेशली तब जब मैं खुद आपको कन्विंसिंगली ये बोल रहा हूँ कि बाजार मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, और 15 तारीख के बाद जो है मुझे काफ़ी अच्छे चांस लग रहे हैं कि ट्रेंड में जो तेज़ी का जो ट्रेंड है उसमें वीकनेस आएगी, और फिर हो सकता है कि महीने के एंड तक वो डाउन ट्रेंड में चला जाए और अगला महीना डाउन ट्रेंड में चला जाए अक्टूबर का। और कुल मिलाकर अक्टूबर में मुझे लगता है कि पहले ही हो चुका होगा। जो लोग हिंदू मान्यताओं को मानते हैं तो उनको पता भी है कि अभी 15 दिन बाद जो है श्राद्ध का पीरियड भी शुरू होने वाला है। तो श्राद्ध के पीरियड में जो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं या ऐसी ट्रेडर्स कम्युनिटी हैं, वो जनरली नए काम नहीं करते हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसा भी रुझान देखने के लिए मिलता है कि वहाँ से भी एक नई कैपिटल नहीं आती है। तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो मारवाड़ी लोग हैं या बहुत सारे जो हिंदू मेथडोलॉजी को मानते हैं, तो जो हिंदू के जो भी सिस्टम्स हैं, मेथड्स हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, तो उनके अंदर जनरली ये देखने के लिए मिलता भी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ये बात मुझे ये बाद में पता चला कि उसी टाइम पीरियड के अंदर ये पीरियड भी आ रहा है जहाँ पर कि लोग जनरली नए खरीदारी नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर देखिएगा अक्टूबर में फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो नवरात्रों में एक अच्छी शॉपिंग होती है। तो मुझे लगता है कि सितंबर एंड तक ही जो है
शेयर बाजार एक बार 300-400 पॉइंट की निफ्टी के अंदर या इवन 8 से 10% तक की भी करेक्शन हो सकती है। और फिर करेक्शन करने के बाद जब अगर ऐसा हो गया 7-8% की करेक्शन अगर निफ्टी में होगी ना, तो भाई साहब स्मॉल कैप मिड कैप के तो तोते उड़ जाएंगे। तो इस वजह से मुझे सेफ साइड ऐसा लगता है कि भाई साहब कभी कभी प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। और प्रॉफिट बांधने के बाद आपकी कैपिटल बढ़ गई ना, अब उस कैपिटल से आप कुछ भी करो। तो सीधी सी बात यह है कि मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को जो है ये बात पता है कि मैंने जिस शेयर से प्रॉफिट बुकिंग की, और मैं आपको भी बता दूं कि वो शेयर है मेक मनी ऑर्गेनिक्स का, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग की। मेक मनी फाइन कैम के शेयर्स थे वहाँ पे, मुझे वैल्यूशन स्ट्रेच लग रही है। हालांकि देखिएगा मीडिया के अंदर कास्टिक सोडा या उससे संबंधित तो न्यूज़ फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है, शेयर्स भी ठीक है अच्छा है, लेकिन मुझे प्राइस ऊपर लग रहे हैं, मुझे अब वैल्यूशन स्ट्रेच लग रही थी इसलिए मैंने वहाँ से एग्जिट किया। मेक मनी ऑर्गेनिक्स में वैल्यूशन स्ट्रेच नहीं है, सब कुछ बढ़ गया भैया, प्रॉफिट था हाथ में तो बांध लिया। और देखिएगा बड़े प्लेयर्स पहले प्रॉफिट बांधे, उससे पहले आप बांध लो। देखिएगा बड़े प्लेयर्स भी कोई ये 1.5 महीने से 1.5 साल से रैली हो रही है, इसको खाली थोड़ी ना छोड़ेंगे। और मैंने कल भी आपको बताया था भाई से बाजार के ऊपर ऊपर चढ़ गया तो ऊपर चढ़ के छोड़ेंगे थोड़ी ना, ऊपर से उतरना भी है उनको धीरे धीरे करके, तो वो अपना प्रॉफिट लेंगे, फिर नए लोग उसके अंदर उसी शेयर के अंदर घुसेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई साहब एक बार प्रॉफिट बांध लेते हैं, बाजार बहुत बड़ा है तो उसी सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रॉफिट बुकिंग की है। और सीधी बात यह है कि अगर देखिएगा 5-7-8% की अगर निफ्टी में करेक्शन आ गई ना, तो भाई साहब स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स तो हमें 20-25-30% नीचे मिल जाते हैं, तो एज ए सेफ साइड है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने पोर्टफोलियो बिल्कुल खाली कर दिया, अभी भी काफ़ी बड़ा अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड है वहाँ। हालांकि कैश में भी हम एक काफ़ी अच्छी पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं और एंट्री करते रहेंगे। अभी भी देखिएगा मान लीजिएगा कल भी करेक्शन हो जाएगी और कोई ऐसा शेयर जो पहले से ही गिरा हुआ था और उसमें फिर और फर्दर करेक्शन है, तो उसमें एंट्री भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो जो भी आपको लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट की तो उस लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे प्रॉफिट्स हैं तो वो निकाल लेने चाहिए। देखो आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, और सिंपल बात इसलिए सुनिएगा कि वो आज के एनालिसिस में ना बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। देखिएगा भाई साहब कोई भी ना म्यूचुअल फंड्स वाले जो टीवी चैनल्स के अंदर आते हैं, ठीक है, चाहे वो अग्रवाल जी हों, चाहे वो शाह जी हों, ठीक है जी, या जो दूसरे विद्वान लोग हैं वो आते हैं, भाई साहब उनको अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी चलानी है, उनको अपनी शेयर ब्रोकिंग फर्म चलानी है, वो आपको क्यों बोलेंगे बेचने के लिए? उनको आपके प्रॉफिट में इंटरेस्ट है क्या? नहीं भाई साहब, उनको अपने म्यूचुअल फंड चलाने में इंटरेस्ट है। सिंपल सी बात है ना, क्यों? अगर बाजार गिर जाएगा ना, वही लोग आपको आएंगे बताने के लिए भाई साहब अपनी SIP के रिटर्न को 4 टाइम्स कर दीजिएगा, 10 टाइम्स कर दीजिएगा, क्योंकि बाजार सस्ता मिल रहा है, आप ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। लेकिन ये लोग कभी आपको बताने आते हैं कि यार बाजार ऊपर हो गया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका बन गया है, यहाँ पे बेच लीजिएगा क्योंकि अगर करेक्शन होगी तो यही माल दोबारा से आपको सस्ता मिलेगा और सस्ते माल में फिर दोबारा से वो पैसे डाल लेना। कोई नहीं आ रहा आपको बताने के लिए, ये बात आता है कोई बताने के लिए? आप बताइए कौन से टीवी चैनल पे आते हैं? जितने भी आप समझ गए होंगे मैं किसका इशारा है, वो अपनी जगह ठीक है, वो लोग भाई वो अपना धंधा कर रहे हैं। अगर शेयर ब्रोकिंग वाले और म्यूचुअल फंड्स वाले आपको ये कहेंगे यार माल बेच दो, ठीक है, और बाजार में से थोड़े दिन इंतजार करो, भाई उनका तो धंधा पिट जाएगा। म्यूचुअल फंड का तो धंधा इस बात पर चलता है कि जितना इनफ्लो आएगा उतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस, राइट? तो याद है आपको जब 2020 में मार्केट गिरी थी, मार्च 2021 से ही सारे टीवी चैनल्स में सारे जो म्यूचुअल फंड्स चलाने वाले जो फंड्स मैनेजर्स हैं जिनकी कंपनी है वो सब आपको आके क्या कह रहे थे, भाई साहब 3 गुना 4 गुना पैसा लगाओ। लेकिन यार बाजार अपने लाइफ टाइम हाई पे है, पी वैल्यूएशंस देखिएगा, मार्केट कैप टू GDP देखिएगा, बहुत सारी कंपनी फंडामेंटल वैल्यू से आगे हैं। चलिए जो शेयर मैंने सेल किया वो फंडामेंटली अभी भी लो वैल्यूएशंस पर है, लेकिन भाई साहब ये बताइए जब बाजार गिरता है ना तो किसी को बख्शता नहीं है, और आपके हाथ में पैसा है और आप फिर घुमा फिरा के, हमने तो भैया देखा है ना, और मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमने ये सेम चीज़ जो है बहुत सारी चीज़ें हमने गलती करके सीखी है, बाजार हमेशा नहीं सिखाता है, ठीक है। ये ऐसी सेम चीज़ हमसे रेन इंडस्ट्री में गलती हो रखी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट था हमने काटा नहीं और बाद में घूम फिर के वहीं आ गए जहाँ पर हमारी कैपिटल थी, ठीक है। अब वो प्रॉफिट अब निकले हैं हमारे पास, मतलब वो प्रॉफिट हमें कमाने में डबल टाइम लग गया। और ये मेरे साथ नहीं है, मनीष पपराई जी के साथ भी था। मनीष पपराई जी कहते हैं यार 450 में मैंने रेन इंडस्ट्री बेचा नहीं 2017-18 के अंदर, और अभी भी वो 2 450 का भाव नहीं आया है, ठीक है, उसके बाद वो 50 रुपये भी हुआ है शेयर। तो ऐसा नहीं है, तो कुछ चीज़ें हमारे को यहाँ पे सीखने के लिए मिलती हैं। तो जो लोग अभी मार्केट में नए हैं,
और उन लोगों को ये बात पता है, और हो सकता है यार मैं गलत भी हो जाऊँ, मैं ये भी नहीं बोलता कि भाई मैंने शेयर बेच दिया नीचे जाएगा, ऊपर भी चला जा सकता है, तो ये कोई दस्तूर नहीं है। बट भाई साहब आपके पास प्रॉफिट है ना, एक बार खाते में रख लो अपने, आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, एक बार स्टेटमेंट देख लो, तो वो आपकी कैपिटल बढ़ गई। अब उस कैपिटल को आपने कैसे डिप्लॉय करना वो आपकी मर्जी है, राइट। तो जिन लोगों ने भी सवाल किए थे शायद जवाब मिल गए होंगे, तो स्पेशल वीडियो नहीं है, सबके लिए वीडियो है। तो जो हमारे अल्फा में से कुछ लोगों ने कहा था सर आपने क्यों बेच दिया, देखिएगा जी भाई साहब प्रॉफिट है, एक बार आना है, और मैं तो बेच ही रहा हूँ। मैं आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर 150 के आसपास आपको बेचना था, आपने बोला भी था, हाँ मुझे लग रहा था कि 150 के आसपास हो, लेकिन मार्केट में वीकनेस नज़र आने लगी। जब मार्केट में वीकनेस नज़र आएगी तो आप क्या करोगे, कि आपकी चीज़ 150 आने की बजाय पहले 120 आ रही है, तो आप क्या करोगे। आपको पता कोई चीज़ 130 135 पे चल रही है, और आपको पहले पता चल रहा है कि अरे 120 पहले जाएगी और 150 बाद में जाएगी, और आप इंतजार में बैठे हो कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है। ये नहीं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए, जब हम कूल बैठे होते तब कोई फर्क नहीं पड़ता यार 120 आए 135 आए, लेकिन जब हम पता है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें माल बेचना है, और हमें पता है कि यार पहले 120 आएगा, और आपको सुबह सुबह पता चलता है कि नहीं यार कल शाम तक हमें लगता है कि 150 पहले आएगा, लेकिन सुबह हमें पता चलता है कि नहीं यार 120 पहले आएगा, तो क्या करोगे आप, राइट। तो इसलिए देखिएगा राकेश भाई जो है ना, राकेश झुंझुन वाले जी, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब स्क्रीन खुलती है ना तभी होती है, इसीलिए बाजार को बिल्कुल प्रिडिक्ट कर पाना ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है जी। लेकिन हम जो डेटा पॉइंट्स है उसके हिसाब से करते हैं, इसीलिए हम अपनी एक्यूरेसी को यही कहते हैं कि अगर 60-70% भी ठीक हो गए ना तो बहुत है, और आज देखिएगा काफ़ी हद तक हम ठीक रहे ट्रेडिंग के अंदर भी, क्योंकि उसी तरीके के मूव आए। अब यहाँ देखिएगा बाजार गिरा, मैंने आपको बोला था 36200 तक जा सकता है निफ्टी, 36200 से भी 50 पॉइंट और नीचे गिरा। वहाँ से मैंने कहा था कि थोड़ी समय के अंदर बाउंस आएगा, ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, मैंने तो कहा था कि 10-15-20 मिनट के अंदर ही वापस हो जाएगा, लेकिन वो हालांकि उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम रुका, लेकिन कुल मिलाकर उस रुकने में भी दोनों साइड के ट्रेड आज जो है बहुत सारे ट्रेडर्स ने जो है लिए होंगे। और क्योंकि एक दो फ़ोन मेरे पास भी आए हैं और उन्होंने कहा कि हमने दोनों साइड पैसा कमाया, बड़ा मुश्किल होता है दोनों साइड पैसा कमाना लेकिन कमाया। आप देखिएगा निफ्टी के अंदर, आप देखिएगा कैंडल कैसी बनी है निफ्टी में, निफ्टी की कैंडल देखिएगा, अभी भी आपको बताता हूँ, अभी भी बाउंस बैक करने वाली कैंडल है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक किया और ये यहाँ पे क्लोज हुई है 36500 के आसपास। अगर ये इस रेंज में बंद हो जाती ना 36200 के नीचे, तो फिर आप ये समझिएगा कि 36200 के नीचे आती तो एक नई रेंज में बाजार आ जाता। इसका मतलब क्या होता कि 36200 से लेके 35500 के बीच में बाजार नई रेंज बना देता, लेकिन अभी बाजार इधर है। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर जाएगा तो हो सकता है 400-500-600 भी जाए, और अगर गैप अप ही गैप डाउन हो गया 36200 के नीचे, तो फिर हो सकता है कि अगर 36200 के नीचे बाजार 1 से 1.5 घंटे काम करता रहा तो आप ये समझ लीजिएगा कि बाजार 36000 भी तोड़ सकता है कल, और फिर 35500 के पास आ सकता है। लेकिन अगर 36200 के ऊपर खड़ा रहा तो फिर 36600 36700 तक भी बाजार जा सकता है, हालांकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन अभी भी बना हुआ है। और देखिएगा सबसे खास बात यह है कि बाजार को सबको पता है यार अक्टूबर के अंदर रिजल्ट कोई बेहतरीन नहीं आने वाले, पूरे बिजनेस में नहीं आने वाले, जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स अपनी पोजिशंस को हैज कर रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और एक देखिएगा 1.5 साल की तेजी हुई है, तो बहुत बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छे मोटे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो भाई वो अपना प्रॉफिट मौका देख के काटेंगे जरूर, वो छत पे तो चढ़ गए हैं, चौथी मंजिल पे तो चढ़ गए हैं, अब वो इंतजाम कर रहे हैं कि उतरें कैसे, जो मैंने कल आपके साथ बात की थी। इसके बाद देखिएगा आज कहाँ पर, देखिए अब तरीका होता है, आप मान लीजिएगा आज HDFC बैंक नहीं चल रहा होता तो बैंक निफ्टी की हालत पतली होती, निफ्टी की हालत पतली होती, और जो ट्रेडर्स कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक ट्रेंड पता चलता, भाई साहब मंदी के सारे सौदे बना जाते। तो ध्यान रखिएगा कि ये सौदों को इस तरीके से बनाते कि तेजी भी नज़र आती रहे और अपने शेयर्स में प्रॉफिट बुक होता रहे। ऐसा कब होता है, ऐसा ढूंढने का तरीका बताता हूँ आपको। जो बाजार के दिग्गज शेयर्स हैं उन 8-10-12 शेयर्स जिससे इंडेक्स मैनेज होता है उनको तो ऊपर रखते हैं, और बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग हो रही है, तो ये टिपिकल केस होता है कि जी आप प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हो रहे हो। ऐसा ही अभी हुआ, देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको ये बता देती है काफ़ी हद तक। ये देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी क्या कह रही है कि डिक्लाइन वाले 1204 शेयर थे और 575 एडवांस वाले थे, जबकि सुबह आधे घंटे तक ऐसी स्थिति नहीं थी, आधे घंटे के बाद एकदम स्थिति बदल गई।
तो इसका मतलब क्या है कि बाजार के अंदर जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ शेयर्स को ऊपर उठाया गया है और बाकी शेयर्स में धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और हमें कब पता चलेगा? हमें जब पता चलेगा जब ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर पता चलेगा एक दिन बायर ही नहीं है, माल के सेलर ही सेलर खड़े हो गए, और तब बाजार एक ही झटके में आपको पता चलेगा निफ्टी 200-250 पॉइंट उठ गया। तो तब जब 200-250 पॉइंट जिस दिन निफ्टी टूटा हो, भाई साहब स्मॉल मिड कैप के शेयर्स में क्या हालत होगी? मान लीजिए कि एक स्मॉल कैप का शेयर या मिड कैप का शेयर 150 रुपये है, जब बाजार 17,400 है वो 150 रुपये, अगर निफ्टी एक ही झटके में 500 या 400 पॉइंट टूट जाता है ना, तो 150 वाला शेयर 120 आ जाता है। और 120 का भाव तब था इस शेयर में जब 16,000 का इंडेक्स था। तो ध्यान रखिएगा, जब ऊपर से सेलिंग होती है तो सारे शेयर गिरते हैं, जब नीचे से बाइंग होती है तो सारे एक साथ नहीं चलते हैं। तो इसलिए मैं सेफ साइड जो है ऐसा मानता हूँ कि जहाँ पर भी वैल्यूएशंस रीजनेबल होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, जब बाजार में ऊपर से गिरावट आएगी तो उन शेयर्स में भी आएगी। ये मैं तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये 2-3-4-5 बार टेस्ट की हुई तरीके हैं हमारे। आप देखिए निफ्टी में क्या है, अब निफ्टी के अंदर बिल्कुल फ्लैट खड़ा कर दिया, 287 तक नीचे लेके गए, 436 ऊपर लेके गए, बिल्कुल बीच में। इससे बढ़िया क्या हुआ, ट्रेडर का दिन था भाई साहब, इधर भी काटो उधर भी काटो, बीच में बाजार खड़ा हो गया। ये देखिएगा निफ्टी काफ़ी मजबूत है क्योंकि निफ्टी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, पर इस तेजी के अंदर भी मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा, आज जितने दिग्गज हैं जिनका मतलब इंडेक्स में वेटेज 5% से ज़्यादा है, वो सारे शेयर जो है 5-7 शेयर्स को खड़ा कर दिया इन्होंने। और जो गिरे जिनका वेट ज़्यादा है उनमें से वेट वाले जो शेयर्स हैं वो इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, आईसीआई बैंक और एक्सिस, ये लेकिन ये कम मात्रा में गिरे, लेकिन फिर भी बाजार आपको माइनस में ही नज़र आया। ये इसलिए नज़र आया क्योंकि ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव थी, तो शेयर की तो आमने सामने की टक्कर बराबर की थी। देखिए HDFC 2% चला, भारतीय एयरटेल 2% चला, ग्रासिम 1.53, ITC 1%, अल्ट्राटेक और बाकी शेयर्स इसी तरीके से, और गिरने वाले में सन फार्मा था, भारत पेट्रोलियम था, टेक महिंद्रा था और विप्रो। तो कुल मिला के इस तरीके से ये शेयर्स जो है गिरावट हुई। अब निफ्टी बैंक के बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको, और इसके साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक आज थोड़ी सी तेज़ी दिखा रहा था, ठीक है जी। ये इसलिए दिखा रहा था कि यू टेलीकॉम के ऊपर ना गवर्नमेंट पॉलिसी लाने वाली है कि उनको कुछ रिलीफ देने वाली है, तो अगर आइडिया को कुछ रिलीफ होगा तो IDFC फर्स्ट बैंक के लिए रिलीफ होगा भाई, सो आइडिया पैसे दे देगा ऐसा बाजार को लगता है। अरे ऐसा होता नहीं है भैया, रिलीफ भी देंगे तो वो आइडिया के फ्रंट पे होगा, वो जाके आइडिया भी कहाँ बचेगी, मुझे तो आइडिया के बचने पे भी डाउट है। तो आइडिया में ही गोइंग कंसर्न एंटिटी का रिस्क है, तो बाजार ने यहाँ पे फंसा किसको रखा है? रिटेल इन्वेस्टर के पास क्या जरूर मिलता है? रिटेल इन्वेस्टर की पहली पसंद फ्यूचर रिटेल भैया लॉस में है, येस बैंक दूसरी पसंद, ठीक है जी। तो इस तरीके के शेयर्स हैं, वोडाफोन आइडिया, तो यहाँ पे सारा रिटेल फंसा हुआ और उसी के साथ खेल रहा है। और इसके बजाय अगर वो वैल्यूबल शेयर्स को लेता जिनमें कैश फ्लो मॉडल्स हैं तो पिछले 1-1.5 साल में अच्छे पैसे कमाता, लेकिन इन शेयर्स के बीच में जो भी फंसे हुए पैसा वहीं पर फंसा हुआ, मार्केट ऊपर भी चले गई और वो कहते हैं जी मार्केट की तेजी में हमारे शेयर तो चल ही नहीं रहे। चल ही इसलिए नहीं रहे ना क्योंकि उन कंपनीज में कैश फ्लोज नहीं है, डेट बहुत हैवी है। अब देखिएगा इंडेक्स में क्या हुआ, इंडेक्स में आज देखिएगा FIs ने हल्की सी सेलिंग की, DIs ने भी हल्की सी सेलिंग की, बाजार फिर भी फ्लैट था क्योंकि शॉर्ट्स लॉन्ग पोजीशंस की एडजस्टमेंट हो रही थी। और 432 पॉइंट की जो देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा नहीं की तेजी करी है, तेजी नहीं है हेजिंग की है क्योंकि यहाँ पर सेलिंग हुई है। तो ये तो बात पक्का है कि बाजार ऊपरी लेवल पर थक रहा है और बाजार में ऊपरी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 300-400 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई वो एक तरफा हो गई, विदाउट कंसोलिडेशन हो गई, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि 300-400 पॉइंट खड़ा करके जो है अच्छा माल जो है बेचा जा रहा है। और क्योंकि तेजी के माहौल में सब लोगों को लगता है बहुत तेजी है, और उस समय पर माल जो है स्मार्ट प्लेयर अपना थमा दें और कैश निकाल लें, और फिर क्या होगा लास्ट में अपना ज़्यादा माल बेचेंगे और फिर कैश और ज़्यादा निकाल लेंगे, तो लोगों के हाथ से जैसे ही कैश खत्म होगा वैसे बाजार नीचे आ जाएगा। तो जैसे बाइंग सेंटीमेंट जो है ख़त्म होता है तभी बाजार नीचे आता है। अब पुट कॉल रेशियो देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, देखिएगा निफ्टी में तो जी 1.53 है, बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों साइड के बराबर रास्ते खुले, और बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में कल दोनों साइड की मूव हो सकती है, कंसोलिडेशन वाला देना,
कोई भी मूव 36,200 के नीचे बैंक निफ्टी को लेके चला गया और 1 घंटे से ज्यादा ट्रेड हो गया, नेगेटिव हो जाएगा बाजार। अब देखिएगा पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो में क्या है, पुट कॉल रेशियो जी बहुत बढ़िया। पुट कॉल रेशियो में देखना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले देखना ये जो कॉल करने वाले थे ना कल से, इनके अंदर जान आ गई है, ये कॉल राइटिंग करने वाले, इनके चीफड़े उड़ा रखे थे भाई साहब बुल्स ने, और अब ये बियर्स बन रहे हैं। 17,400 पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए इन्होंने आज कॉल राइटिंग, और जबकि पुट राइटिंग हुई केवल 1,502 और कुल टोटल कॉन्ट्रैक्ट 39,000 के, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए 1,02,000। इसका मतलब है इस ऑप्शन चेन को देख के तो ऐसा लगता है कि 17,400 बुल्स पार कर पाने में बड़े मुश्किल उनको होगी, या हम ये कह सकते हैं कि बियर ये मान के बैठे 17,400 के ऊपर थर्सडे की क्लोजिंग नहीं आने देंगे, क्योंकि जितना, अरे ये नहीं है खाली यहाँ पे, इसके बाद देखना 450 में 12,000 कॉन्ट्रैक्ट और 500 में तो 17,500 में 21,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं पुट साइड में, पुट साइड में 75,000 का है वो भी 17,300 पे है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है 17,300 को भी उड़ा देंगे भाई सब बियर्स जब बेचने पर आएंगे। 17,200 पे देखिएगा 63,670, तो यहाँ तक भी ला सकते हैं बाजार क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी कम है। फिर देखिएगा 40,503, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट कम है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब की कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 17,100 तक भी जो है बाजार को लाया जा सकता है। और आज ऐसा ही हुआ भी, आप देखने जितनी ब्रोकरेज हाउस की कॉल थी वो सब यही कॉल थी कि जी शॉर्ट कर दो निफ्टी को और ये टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब लोग ऑप्शन चेन देख रहे थे, उनके सिस्टम के अंदर दिखा रहा था कि जी मंदी बनेगी, लेकिन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए आज। जैसे मैंने आपको बोला था नीचे जाके बाउंस करेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर वाला सिस्टम है वो ये तो दिखा रहा था कि नीचे जाएगा बाजार, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि नीचे बाइंग आएगी या नहीं आएगी। और ये हुआ कि जैसे ही शॉर्ट्स की पोजीशन डेवलप होने लगी, क्योंकि कंप्यूटर ने दिखाया जी सेलिंग हो रही है तो शॉर्ट्स बनाइए, तो वैसे ही ब्रोकरेज हाउस की कॉल आ गई और उसके आधे घंटे बाद ही स्टॉप लॉस कट गए सबके मंदी की पोजीशन में। तो ये जो चीज़ है ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर वाली जो मशीनें हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो काम तो सही करती हैं, लेकिन वो कहाँ पर फेल हो जाती हैं, वो फेल रिवर्सल का नहीं पता होता उनको कि भाई रिवर्स भी कर सकता है, तो वहाँ पे एक टाइम फ्रेम होता है कि आप आधे घंटे तक जो है इंतज़ार करें और आधे घंटे तक आपकी डायरेक्शन में काम चल रहा है तब पोजीशन बने। लेकिन हम लोग होता क्या है, मैं तो खैर करता नहीं ब्रोकरेज हाउसेज की कॉल के ऊपर किसी पे काम, लेकिन जनरली होता क्या है जैसी ब्रोकरेज हाउस की कॉल आ गई, HDFC सिक्योरिटी की, एडलवाइस की, या एंजल ब्रोकिंग की, या किसी और कंपनी की जैसी कॉल आ गई, वो कॉल आते के साथ भाई साहब लोग सौदा डाल देते हैं, और फिर वो क्या होता है कि उसके बाद पछताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो सौदे डलते हैं तो एल्गो वाले पहचान लेते हैं कि सौदे यार उनके पास सारे सिस्टम लगे हुए हैं कि किसकी कॉल आई है, अच्छा उनको पता चला इसकी कॉल आई, चल थोड़ी देर ऊपर होगा, तो जैसे जैसे ऊपर आने लगता है वो बेच भी देते हैं। तो यहाँ पे बाजार में भाई साहब हर तरीके के लोग हैं, तो जो ब्रोकरेज हाउस की कॉल है तो उनका काट करने वाले लोग भी ऑपरेटर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास भी तो वो कॉल आएगी ना कि भाई ये कॉल आ रही है, तो उसको उतना ही पंप करते हैं, अब उनको लगता है कि ये कॉल आई है उसमें खुद पहले पंप करते हैं, फिर आम पब्लिक पंप करती है, फिर बाद में वही लोग उस पंपिंग के अंदर डंपिंग कर देते हैं। अब ये देखिएगा ऑप्शंस के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर 36,500 में 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, जबकि यहाँ 15,000 हट गए, पुट में 15,000 गायब हो गए कॉन्ट्रैक्ट, जबकि बाजार यहीं खड़ा है, यानी कि 36,500 की पुट में से 15,000 लोगों ने कहा जी भाई पुट नहीं बेचनी, क्यों नहीं बेचनी, ये बाजार झटका मार गया ना भाई, आज तो ले रहे हैं 200 रुपये, और भाई साहब अगर एक झटका लग गया ना 200 के ना 2,000 रुपये दे के आने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब बाजार गिरता है ना तो इतनी तेज़ी से गिरता है, तो इसलिए पुट के राइटर्स डरे हुए थे, क्योंकि हम भी अपनी पोजीशन कभी आपको बता दूं कि जब हम मंदी के सामने थोड़ी सी तेजी अपनी हेज करते हैं तो हम पुट बेच देते हैं, बहुत सारे लोग बेचते हैं अगर उन्होंने कॉल बेच रखी है इन द मनी तो वो क्या करते हैं कभी कभी आउट ऑफ द मनी पुट भी बेच के रखते हैं अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए, कि अगर हमारी अगेंस्ट जाएगी डायरेक्शन फिर आउट ऑफ द मनी अगर वो उनके अगेंस्ट जाती है तो उसको इन द मनी में भी कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है मंदी की पोजीशन रात को भी छोड़ के चले जाते हैं, आउट ऑफ द मनी है या दूर की है कोई बात नहीं। तो अभी तक जो सेंटिमेंट था पीछे उसमें लोग ऐसे छोड़ जाते थे कि पोजीशन चल कोई नहीं कल सुबह खुलेगा बाजार थोड़ा ऊपर खुलेगा, पुट जो सेल कर रखी है उसमें कुछ ना कुछ पैसे बन नहीं है तो सुबह अपने कवर कर लेंगे सुबह उठते के साथ, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आज देखिए कॉल राइटिंग तो है 16,000 22,000 कॉन्ट्रैक्ट है 36,600 पे, लेकिन 36,500 जो इन द मनी पुट है भाई साहब वहाँ पे 15,700 कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर गए,
इसका मतलब है कि लास्ट को उन लोगों ने सौदे हटा लिए कि भाई हमने पुट तो बेच रखी है, अगर मान लो कल सुबह खुल गई 500 पॉइंट नीचे गया, भाई साहब जो पुट 200 रुपये की है सीधी सीधी 550 रुपये की, 500 रुपये की हो जाएगी। तो इस तरीके के रिस्क से जो है लोग डर रहे हैं। तो अब देखिए, अभी जो पहले क्या हो रहा था कि कॉल राइटर डर रहे थे, कॉल बेचते वक्त डर लग रहा था क्योंकि कॉल बेची और बाजार 200 पॉइंट ऊपर खुलता था, भाई साहब कॉल हो जाती थी, इन द मनी आउट ऑफ द मनी वाली। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि पुट वाले डर रहे हैं। तो ये इंडिकेशन जो है ये बता रहे हैं कि बाजार के अंदर ऊपर टॉप के अंदर सेलिंग आएगी। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार गिरेगा, मैं ये कह रहा हूं कि बाजार जैसे ऊपर आएगा ना, ऊपर जाने से रोकने की ताकत बहुत है लोगों के अंदर, ऊपर नीचे गिराने की ताकत नहीं है। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं ट्रेडिंग को, अगर ऑप्शन चेन को अगर मैं सही ढंग से ऑब्जर्व करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार को रोकने की ताकत तो बहुत सारे ट्रेडर्स में है, लेकिन बाजार को रोक देंगे भैया, आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन ऐसी ताकत अभी नहीं नजर आ रही कि जो कह रही कि बाजार को 2,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी को हम गिरा देंगे, ऐसी ताकत नहीं दिख रही है ऑप्शन चेन में। लेकिन ऑप्शन चेन में क्या जरूर दिख रहा है, रोक सकते हैं, तो रोक तो सकते हैं, गिराने की ताकत अभी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन के डेटा को मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए मैंने आपको बोला अगर बैंक निफ्टी में कल काम कर रहे हो, मंदी तभी बन सकती है जब 36,200 के नीचे कम से कम 1 से 1.5 घंटे काम हो, अदरवाइज 36,000 के पास जाएगा, बार बार बाउंस करने की कोशिश बाजार करेगा। आज 36,200 36,150 से किया, हो सकता है कल भी जाए वहां पे, फिर वहां पे जाएगा, फिर ट्राई करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत हैं। और यही डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे खास बात होती है कि जब आपके शॉर्ट्स हैं तो उसकी कवरिंग करने वाले लोग आते हैं और आपका माल बहुत अच्छे से बेच पाते हो आप। तो यही बेचना जो है यही सबसे खास बात है, आप अपना माल बेचो और खरीदार खड़ा हो, ये सब ऑप्शंस की वजह से होता है। क्योंकि पहले आप खरीद रहे होते हो, दूसरे लोग बेच रहे होते हैं, अरे बाजार में जाएंगे, आप और खरीदते हो, वो लोग और बेचते हैं, आप और खरीदते हैं, वो और बेचते हैं, आप और खरीदते हो, भाई साहब जिन्होंने बेचा होता है उनको अपनी शॉर्ट कवरिंग करानी होती है। जब उनको शॉर्ट कवरिंग करानी होती है, आप अपना माल जब अब तक खरीद रहे थे सारा बेचना शुरू करते हो, तो जब आप बेचना शुरू करते हो तो भाई साहब जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रही होती है उनको 5-10 दिन तो अपनी पोजीशन कवर करने में लग जाती है। यही मुझे लगता है कि जो लास्ट जो चीज़ मैंने बताई कि जो 1.5 साल से खरीदने वाले लोग थे, अब जो 1.5 साल से बेचने वाले लोग शॉर्ट्स बैठे हुए हैं, अब वो अपने शॉर्ट्स को कवर कैसे कर रहे हैं, चल यार कुछ तो आई 50 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट कुछ तो नीचे आया, तो जैसे ही नीचे आता है तो जिन लोगों ने पहले माल बेच रखा है वो अपना खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया होता है। और जब जो 1.5 साल से खरीद रहे थे और जब उनका माल ख़त्म होगा, तो ख़त्म तो होगा नहीं क्योंकि अगर वो सारा बेचने लगेंगे तो वो बेच ही नहीं पाएंगे, तो जब उनका 50-60% माल ख़त्म हो जाता है और उनको लगता है कि अरे बायर गायब ना हो जाए, उनको भी तो रहता है ना कि बायर ख़त्म हो जाए, फिर वो इकट्ठा बड़ी मात्रा के अंदर एक साथ माल बेचना शुरू करते हैं, तभी बाजार के अंदर बड़े लेवल्स के साथ गिरावट आती है। और वही लोग जिन्होंने 1.5 साल से माल खरीदा है, जब अगर वो बेचने पर आते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि बाजार गिर कैसे सकता है, गिर इसलिए सकता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो ये सबसे मेन बात है। तो फिर आप देखेंगे कि भाई साहब वही शेयर्स जो पहले 15 की वैल्यूशंस पर सस्ता लग रहा था, वही शेयर्स 10 की पी वैल्यूशंस पर आ जाता है, क्योंकि यही बाजार की फितरत है। तो बड़े प्लेयर्स जब खरीदने पर आते हैं तो भाई साहब 10 की पी वाला शेयर 25 की पी हो जाता है, और जब बेचने पर आते हैं तो भाई साहब 25 की पी वाला शेयर 10 की पी पे आ जाता है, 10 छोड़ो 5 की भी आ जाता है, और लंबे समय तक चलते रहते, दो दो तीन तीन महीने। तो यहाँ पर सारी चर्चा जो है मैंने आपके साथ की। तो ये जो सारी चीज़ मैंने आपको बताई, इस तरीके से जो है बाजार के अंदर काम होता है, बाजार में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने तो केवल एक छोटे से बिल्कुल नाम मात्र की एक जो आभास जो है मुझे होता है बाजार के अंदर, वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हाँ इस तरीके की एक्टिविटी बाजार में होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत दिनों बाद बोला है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करो तो भाई घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि नहीं फिर नोटिफिकेशन आएगी नहीं, फिर आपको सर आज तो वीडियो नहीं डाली आपने। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।